कभी ठंड में ठुठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की कभी सरहद पर चलकर देख लेना। दोस्तों, दिल दहलाने वाली खबर श्रीनगर के लाल चौक से आई है, जहां सोमवार को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। पुलिस ने बताया कि श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक अन्य घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इलाके को घेरकर आतंकवादियों की तलाश की अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले आज जिला पुलवामा में आतंकवादियों ने एक बार फिर दो गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने पुलवामा लजोला में दो लोगों को गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। दोनों घायलों को SMH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों घाटी के बाहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं रविवार की शाम को पुलवामा जिले के लिट्टर इलाके में पोल्ट्री की गाड़ी लेकर आए दो गैर कश्मीरी को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। दोनों पंजाब के पठानकोट के रहने वाले थे। दोस्तों, घटना के बाद पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि उन्हें घेरकर दबोच लिया जाए। अंत में दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सत नमन करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान शहीद की आत्मा को शांति प्रदान करे। सच्चे सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, इसलिए नहीं कि वे अपने सामने वाले से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने पीछे खड़े लोगों से प्यार करते हैं।